नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 175 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना विलंब के। दोस्तों तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, वो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आपको बतानी है। तो इसका उत्तर आपको पता है, तो आपको पता ही होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया में। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो आर्य समाज की स्थापना आपको पता होगा, आपको आपने उत्तर सोच लिया। उत्तर हो जाएगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज बतानी है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि आपको बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा आपको बताना है। आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई पेपरों में पूछा गया है पिछली बार। तो एक कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है भारत का। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज पता होगा आपको, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो भारत का जो पूर्वी राज्य है वो कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य किस राज्य में निकलता है, वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, ये चीज आपको बतानी है। इंसुलिन का प्रयोग आपको बतानी है, किस बीमारी के उपचार में होता है ये चीज बतानी है, तो वो होता है मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई परीक्षाओं में पूछा, चाहे वो SSC हो, चाहे SI हो, चाहे TET हो, सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये नृत्य से संबंधित हमारे वीडियो हमारे चैनल पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताया है, नृत्य जिसमें कि याद करवाए गए हैं वो चीज बताई गई है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये चीज आपको बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज बतानी है, तो वो मिलता है कौन सा, विटामिन सी। आपको पता ही होगा आंवले में विटामिन सी मिलता है प्रचुर मात्रा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, ये चीज बतानी है, तो भारत के जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। जी हाँ दोस्तों, कागज का आविष्कार हुआ तो वो किस देश में हुआ, ये चीज आपको बतानी है, तो वो हुआ चीन में कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है, पता होगा आपको गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन होता है, पता है आपको, नहीं पता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी आपको पता होगा, रतौंधी आती है, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज बतानी है, तो रतौंधी जो होती है वो होती है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी आती ना, रतौंधी कुछ लोगों को रतौंधी आने लगती है, आंखों से कम दिखने लगता है, इस प्रकार से आती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, ये चीज बतानी है, तो किस राज्य का त्यौहार है पोंगल, वो है तमिलनाडु का ये पोंगल त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये गिद्धा भांगड़ा इस प्रकार से जो नृत्य हैं, इन सारे नृत्यों को हमने एक वीडियो में रखा और उनको ट्रक के माध्यम से समझाया, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो उपलब्ध है। तो ये गिद्धा और भांगड़ा जो है वो कहाँ के हैं, वो है पंजाब के हैं। बोले पंजाब में गिद्ध क्या बजाते हैं, भांगड़ा बजाते हैं, तो गिद्धा और भांगड़ा कहाँ के होंगे, पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, ये चीज बतानी है, तो आपको पता ही होगा टेलीविजन का जे.एल. बेयर्ड साहब ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, पहली महिला शासिका बताना है, भारत की हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो पहली महिला जो शासिका थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, ये चीज आपको बतानी है, तो किसकी सहायता से लेती है, वो लेती है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो आपको पता होगा इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह साहब ने ये नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग
हत्याकांड कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है परीक्षा में, आपको पता भी होगा। तो जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ वो 1919 ईस्वी में अमृतसर में ये जालियांवाले बाग में ये हत्याकांड हुआ था। जनरल डायल ने गोली चलाई थी, एक सभा बुलाई गई थी, उस सभा में गोलियां चलाई थी जनरल डायल साहब ने 1919 में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या छोड़ दी? कांग्रेस छोड़ दी। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो दल की स्थापना की थी वो कौन सा दल था? वो था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पंजाब केसरी आपको पता होगा, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ये पंजाब केसरी कहा जाता है। जब साइमन कमीशन भारत आया 1928-29 में, तब जो है लाला लाजपत राय के और साथियों के विरोध करने के बाद जो लाठी चार्ज हुआ उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये सैंडर्स की हत्या आपको बतानी है तो ये भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। जी हाँ दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें आपको बताना है कि सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था, तो वो दिया था मंगल पांडे। आपको पता ही होगा कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया और ये क्रांति, ये आग जो है क्रांति की पूरे देश में फैल गई। और जब कुछ कारणों की, मतलब नेतृत्व की कमी के कारण जो है हम स्वतंत्रता की सुख को प्राप्त नहीं कर सके उस समय, लेकिन आगे चलकर प्रयास किया क्रांतिकारियों ने, लेकिन यहाँ से स्वतंत्रता की जो आग जली वो निरंतर जलती रही। और मंगल पांडे जी को अगर माने तो वो विद्रोह अपना बलिदान सबसे पहले दिया इन्होंने 1857 में, मंगल पांडे जी ने। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये चीज बताना है, पहली महिला राज्यपाल के बारे में बताना है तो वो थी सरोजिनी नायडू। इनको भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर बताना है तो वो है संतोष यादव, चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम बताना है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल से मूल तो मूल शंकर हो जाएगा इनका, है ना। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, ये चीज बतानी आपको पता होगा तो ये दयानंद सरस्वती ने ही कहा कि वेदों की ओर लोटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और बात करें वास्को डी गामा भारत कब आया, ये वास्को डी गामा भारत आया, ये धन संपत्ति को लूटने के लिए भारत आया था और इसने यहाँ पर व्यापार किया। और ये 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया, ये पुर्तगाली दार्शनिक था ये वास्को डी गामा, और ये 1498 में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ दोस्तों, ये चीज बतानी है तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल के बारे में बताना है, हवा महल, हवा जैसा महल तो वो है जयपुर, हवा में कोई महल होगा तो उसकी क्या होगी? जय होगी। तो ये हवा महल कहाँ है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक बताना है तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। सिख मतलब सीखना, और सीखना हम किससे सीखते हैं? गुरु से सीखते हैं, तो गुरु नानक क्या हो जाएंगे? इसके संस्थापक माने जाएंगे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा माना जाता है? सिख जो होते हैं उनका प्रमुख जो त्यौहार होता है वो होता है बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। और लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल साहब को, क्योंकि इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं भारत के लिए और भारत के हम जैसे सभी के लिए इन्होंने बहुत ही अपना बलिदान दिया है सरदार पटेल साहब ने, इसलिए इनको लोह पुरुष कहा जाता है। तो सरदार पटेल साहब को लोह पुरुष कहा गया, महापुरुष थे बहुत, इन्होंने देसी रियासतों को के विलय में जो मदद की जो भारत की वो अविस्मरणीय रहेगी। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी की बात आती है तो हमें पता ही होगा सुभाष चंद्र बोस साहब को नेताजी कहा जाता है इनको। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता परीक्षा में, अभी पूछा गया था कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो वो है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं
वो है महर्षि वेदव्यास। आप पता है आपको अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो ये अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक है आपको पता ही होगा, प्रत्यय रहे होंगे चाणक्य या कौटिल्य साहब ने, जिन्हें की कौटिल्य भी कहा गया चाणक्य साहब को, चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए हैं, बहुत ही इन्होंने अच्छी शिक्षा दी उनको और उनके साम्राज्य विस्तार में इन्होंने मदद की। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की जो है नामक पुस्तक लिखी चाणक्य साहब ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी की समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, जय जवान जय किसान। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको पता होगा विश्व रेडक्रॉस, तो ये मनाया जाता है 8 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से 8 मई रेडक्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश माना जाता है वो माना जाता है जापान, सूर्योदय का देश माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जी हाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो हम पढ़ ही चुके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है तो वो है गोवा। ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, तो ओणम जो माना जाता है वो केरल, ओणम केरल का जो है प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये चीज बतानी है, पहले कोलकाता राजधानी थी फिर दिल्ली बनी, तो वो कब बनी, वो बनी 1911 में, 1911 में दिल्ली राजधानी बन गई। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो चमकीला ग्रह माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु आपको बतानी है, तो ये बाघ है आपको पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये भी आसान है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको पता ही होगा ये गंगा डॉल्फिन, ये गंगा की में रहने वाली जो डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो ये होगा आम, भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो पता ही होगा आपका कमल, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो ये है बरगद, भारत का राष्ट्रीय पेड़। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो क्या है, हॉकी, हॉकी ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा गया। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी, और खेल दिवस भी हम उन्हीं की याद में मनाते हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद साहब की। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना अनुपात होता है, ये चीज़ तो पूछी गई है प्रश्नों में, बार बार प्रश्न पत्रों में पूछी गई, परीक्षाओं में पूछी गई, तो ये 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी 3:2 होता है। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, जी हाँ दोस्तों जो राष्ट्रगान है वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत जो लिखा है वो किसने लिखा है, वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रगीत है हमारा। और भारत का बंकिमचंद चट्टोपाध्याय, और भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा वो किसने लिखा है, तो बंकिमचंद चटर्जी साहब ने ये राष्ट्रगीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, ये चीज़ बतानी है, तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस साहब ने, इन्हें राष्ट्रपिता कहा। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो सख संपत होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, राष्ट्रगान जो होता है गाने की अवधि है 52 सेकंड। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, ये चीज़ बतानी है, तो रेडियो एक्टिवता की जो खोज की है वो की है हेनरी वैक्यूरल ने, रेडियो एक्टिवता की खोज की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, जो पेस मेकर लगता है, बोले पेस मेकर लग गए तो हृदय, हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो वो होती है पीयूष, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, कार्बन का शुद्ध रूप बताना है, तो हीरा कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर एक्सरे का है रॉन्टजेन साहब ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो धातु है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो उत्तर होगा काला, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है वह आकाश। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो साहब ने ये किया। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, ये समाधि स्थल आप अच्छे से पढ़ लें, पूरे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
तो ये राजघाट समाधि स्थल जो है महात्मा गांधी को उसे राजघाट कहा जाता है और लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते हैं, विजय घाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, ये चीज भी पूछी जाती है। बम्बई, वर्तमान मुंबई जो है कहा जाता है इसे, और ये थाने के बीच चली है। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं तो ये कोलकाता में आरंभ हुई। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो ये हुआ 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताना है तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में इन्हें माना जाता है। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो प्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री बताना है तो वो है श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने, तो ये त्रिगवेली साहब बने महासचिव। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो वो हैं 193। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वो हैं 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये द हेग हॉलैंड में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, द हेग में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल के हैं, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं 2018 में, एंटोनियो गुटेरेस साहब। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये चीज़ बतानी है, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना, तो वो बना कौन सा देश बना, तो वो दक्षिण सूडान। कौन सा देश बना, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है, तो वो हो जाएगा विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस बताना है आपको, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा घोषित किया। और ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे ओलंपिक खेल 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो वो है मुर्राह, हरियाणा की मुर्राह भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है गुड़गांव में, प्रसिद्ध शीतला माता है ना, शीत हो जाती तो क्या बोलते, गुड़ खा लो है ना, तो शीतला माता मंदिर कहाँ होगी, गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई, तो ये हरियाणा पार्टी जो बनाई वो बनाई राव बीरेंद्र सिंह ने, ये विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये 44,212 हो जाएगा इसका, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा साहब। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, पता है आपको, चीन। स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो वो है किस बात का, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो है थार मरुस्थल। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये कांजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य वो है कहाँ पर, असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये घूमती है साहब पश्चिम से पूर्व की ओर।
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा, ये छिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। और निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो आपको पता होगा चांदी सबसे अधिक सुचालक मानी जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में आपको बताना मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मीथेन मुख्य रूप से पाया जाता है। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया है? पता होगा आपको, ये नारा दिया है लोकमान तिलक साहब ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा सदस्यों के 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, ये चीज भी पता होगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है इसे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उदंत मारतंड था, 1826 में प्रकाशन हुआ उदंत मारतंड। जुगल किशोर इसके प्रमुख प्रथम संपादक थे, इसके जुगल किशोर साहब। उदंत मारतंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो ये अवधि भाषा में लिखी गई तुलसीदास द्वारा। रामचरितमानस राम पर आधारित ये महाकाव्य है रामचरितमानस, तो ये अवधि भाषा में लिखा गया। और हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की हमें बताना है, तो एथेंस यूनान में 1896 में ये आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ जीता? तो ये भी आपको बताना है, तो मॉस्को में ये जीता है। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय बताना है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में ये मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये ओलंपिक खेल हुए 2012 में लंदन में। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, ये चीज बतानी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपिक गोले, तो ये 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है कौन, माइकल फेलप्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोक्यो जापान में 2020 में ओलंपिक खेल होंगे। इसके पहले 2016 में हुए, अब 2020 में टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था ओलंपिक खेलों में? तो ये लिया था 1900 में, सन 1900 में भाग लिया पहली बार। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। और बैक टू द वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो, ये तो पता ही होगा नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। और प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो एक ही है श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, ये चीज बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो एकमात्र भारतीय है वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो वो रहे हैं सहनाई में विख्यात रहे हैं बिस्मिल्ला खां साहब। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता होगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, भारत के अंतिम और भारत के प्रथम भी इन्हें कहा जा सकता है और अंतिम भी कहा जा सकता है, जो कि भारतीय थे, है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था रूस, भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहयोग से किया गया। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है वो है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व की बात हो रही है तो वो थी जापान की जुनको तबई। और पीलिया किस अंग का रोग है? तो वो कौन का है, यकृत या लीवर का ये रोग माना जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, एकथन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो नियम है वो है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक बताना है, तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है?
क्या होता है एलपीजी गैस में? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अभी अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा अशोक के अभिलेखों को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने कलिंग विजय के बाद जो है इन्होंने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, ये चीज बतानी है। तो अकबर जो थे वो अशिक्षित माने जाते थे, ये मुगल बादशाह थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु रामदास ने अमृत, क्योंकि राम ही क्या करते हैं, अमृत बरसाते हैं। तो अमृतसर शहर की रामदास ने की थी। और गदर पार्टी, गदर कौन मचाता है? लाला लोग गदर मचाते हैं, तो लाला हरदयाल ने, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा, तो वो प्रथा की थी गुरु अंगद, अंगद ने लंगर प्रथा जो है शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपको पता होगा ऋग्वेद। और किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो सुल्तान थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, ये प्रथम पंचवर्षीय जो विकास की पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई उनमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट हुई। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वो किया था कहाँ पर? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह कहलाता है? तो ओ जो रक्तदाता होता है वो सर्वदाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के जो शरीर है उसमें होती हैं हड्डियां 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? एनफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार बताना है तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये टेलीफोन का आविष्कार किया। और प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो होती है कितनी? ये होती है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था सबसे पहले कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध बताना है तो एक खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध माना जाता है। और स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें तो कहाँ स्थित है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर में। गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी स्वर्ण मंदिर, अमृतसर वाले अमृतसर। और चार मीनार कहाँ स्थित है? सॉरी, अमृतसर जो शहर बसाया था वो गुरु रामदास ने बसाया था, तो ये स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में ही स्थित था। और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको पता ही होगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ताजमहल बताना है तो ये आगरा में ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, और सिंगापुर में ये आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा 5 सितंबर को। और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। और खेल दिवस हम मनाते हैं तो वो मनाते हैं 29 अगस्त को। और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर जो ध्यानचंद साहब थे उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इन खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। और करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? आपको पता होगा जय हिंद का नारा दिया है किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने, नेताजी ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये दिल्ली चलो का नारा दिया। तो इस प्रकार से लगभग हमने 175 क्वेश्चन देखे दोस्तों। और अगर आपको कहीं भी शंका है क्वेश्चनों के बारे में कहीं भी, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी प्रश्न का समाधान किया जाएगा जिस प्रश्न में आपको शंका है। तो इस प्रकार से दोस्तों 175 प्रश्न है, और आपने देखे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपने कितने सही प्रश्न किए हैं, कितने सही उत्तर बताए हैं, वो चीज़ भी आप बता सकते हैं कि 175 में से हमने इतने सही किए हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वो प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें,
वो लगातार चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। तो हमें विश्वास है कि आप इसी तरह वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने मित्रों तक। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।